हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुवैत में हेल्पर लोगों को कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट थे कि भाई मुझे बताओ, मेरे गांव के भी कितने बंदे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि बाहर में नहीं गए हुए हैं या मुंबई दिल्ली में मतलब काम नहीं किए हुए हैं, तो उनका ये कमेंट था कि भाई मैं कोई काम नहीं सीखा हूँ या मैं मतलब कि कभी बाहर गया ही नहीं हूँ, कुछ काम ही नहीं किया हूँ, तो मैं अगर कंपनी में हेल्पर में जाता हूँ तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी और काम क्या करना पड़ेगा। तो इस पर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जो हेल्पर में मेरे साथ में काम करते हैं हेल्पर लोग, मैंने उनका वीडियो जो है इंटरव्यू लिया हुआ था डाला हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि बेसिक मतलब कि जो पहली बार मतलब कि जा रहे हैं कुवैत में या जो जाने वाले हैं या जो सोच रहे हैं आने के लिए, तो इस वीडियो से उनको काफ़ी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और काफी ज्यादा जो है फायदा होगा। तो इस वीडियो को जो नए भाई बिल्कुल देख रहे हैं वो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। तो जैसे कि अगर घर खाते में जाते हैं नए नए जिनको कुछ नहीं पता होता है, तो भाई घर खाते में कैसा होता है कि ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता है और घर खाते में आपको सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करना होता है। लेकिन कंपनी में दोस्तों कैसा है कि आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है, यानी सुबह 6 बजे से शाम को 3 बजे तक या 2 बजे तक आपको काम करना है और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो कंपनी में जो 8 घंटा ड्यूटी होती है दोस्तों, वो अलग अलग कैटेगरी के कारीगर लोगों को अलग अलग सैलरी मिलता है। लेकिन उसमें जो हेल्पर लोग होते, जैसे गाँव में कितने भाई जो ये बोल रहे थे कि भाई मैं कभी कोई काम किया ही नहीं हूँ तो मुझे क्या काम मिलेगा और मुझे क्या करना होगा, तो जो हेल्पर हैं जो मतलब कि फर्स्ट टाइम मतलब कुवैत आने के लिए सोच रहे हैं या कुवैत आना चाहते हैं, तो उनको ये मान के चलो सबसे पहले तो मुंबई से बहुत सारे लोग मतलब आते हैं हेल्पर में, तो कंपनी में जो लोग आते हैं उनको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जो कभी ये मान के चलो कि कभी काम किए ही नहीं है, अगर वो आते हैं कंपनी में कुवैत में, तो ये मान के चलो कि वो हेल्पर में आएंगे तो वो काम भी सीखेंगे और साथ ही साथ पैसे भी कमाएंगे, उसके साथ साथ उनको स्किल भी मिलेगा और साथ ही साथ काम सीख के कितने भाई ऐसे भी हैं जो हेल्पर से ऑलरेडी कारीगर हो गए हैं। मेरे साथ वाले खुद 2-3 बंदे ऐसे थे जो हेल्पर में 5-6 साल लगातार काम किए और आज अच्छे खासे पोस्ट पर आज दूसरे देश में अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हमें ये बताने वालों कि हेल्पर लोगों को कुवैत में इस समय 2022 चल रहा है कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो, हर कंपनी का अलग अलग मतलब सैलरी का लेवल है, अलग अलग सैलरी का मतलब कि जैसे किसी को 120 KD मिलता है, किसी को 100 KD मिलता है, किसी को 80 KD मिलता है। क्योंकि इस समय जो 2022 चल रहा है दोस्तों, हेल्पर में आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो ये मान के चलो 80 KD आपको मिलना ही है, 80 KD से कम मतलब नहीं मिलता है हेल्पर में दोस्तों, 80 KD से कम सैलरी जो है नहीं मिलेगा। क्योंकि 80 KD अभी जो बेसिक मतलब सैलरी होती है वो 80 KD चल रहा है इस समय हेल्पर का, जो एकदम फ्रेशर हैं जो कभी काम नहीं किए हुए हैं, तो उनको 80 KD सैलरी मतलब स्टार्टिंग है। और अलग अलग कंपनी में मतलब सैलरी मिलता है, कहीं पे 80 KD मिलता है, 80 मतलब 18 KD, और 80 KD का आप जो है इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, 1 दिनार का 258 रुपया या 260 रुपये के करीब ऐसे हो रहा है, ऊपर नीचे 1-2 रुपया होते रहता है। तो बेसिक सैलरी जो होता है हेल्पर का वो 80 KD जो है मिलता है, और किसी किसी कंपनी में 90 KD भी मिलता है, किसी किसी कंपनी में 100 KD भी मिलता है। क्योंकि कुवैत ऑयल कंपनी KOC और KNPC कंपनी जो होती है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पे क्या है कि सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का डायरेक्ट वीजा मिलता नहीं है, जो फ्रेशर होते हैं वो फ्रेशर हेल्पर को लेते नहीं हैं, बाकी छोटी छोटी जो कंपनियाँ हैं कुवैत में वो हेल्पर में फ्रेशर लोगों को ले लेती हैं। तो 80 KD से लेके आपको मान के चलो 90 से 100 KD तक आपको फ्रेशर में सैलरी मिलने वाला है, जो बिल्कुल नए हैं, मतलब कि कुवैत में हेल्पर लोगों की सैलरी बिल्कुल जो नए हैं उनको 80 KD से 90 KD से लेकर 100 KD तक है। लेकिन 80 KD से सैलरी कम मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों हेल्पर में अगर आप आते हैं तो, क्योंकि हेल्पर में आएंगे तो आपको काम भी सीखना है, पैसे भी कमाना है और साथ ही साथ आपका पोजीशन भी बढ़ेगा। अगर अच्छा बंदा है जो फ्रेशर में है, मान लो काम वाम कर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे करके उनका मतलब कि प्रमोशन भी हो जाएगा। कितने बंदों का ऐसे है जो मेरे कंपनी में ऑलरेडी हेल्पर में काम कर रहे थे, बाद में हेल्पर में काम करते करते फैब्रिकेटर के साथ में, फिटर के साथ में काम करते करते उन्हें ड्रॉइंग देखना आ गया, या वेल्डर लोग के साथ में रहकर उन्हें वेल्डिंग करना आ गया, तो उनका पोजीशन भी बढ़ गया और वो फैब्रिकेटर से वेल्डर बन गए और फिटर भी बन गए। तो इस तरह से मतलब कि पोजीशन बढ़ता है। तो हेल्पर में मान के चलो 80 KD अगर आपका सैलरी है, तो 80 KD में मान के चलो आपको कोई कोई कंपनी 20 दिनार खाने का अलग से देती है, कोई कोई कंपनी 25 दिनार खाने का देती है, मतलब 20 दिनार खाने का ये मान के चलो आपको मिलेगा। तो 20 दिनार अगर आपका खाने का मिलता है और 80 KD आपको फ्रेशर में मतलब कि बेसिक सैलरी आपको मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। जो फ्रेशर लोग हैं जो कभी विदेश नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है।
अगर वो कंपनी में आते हैं तो। लेकिन घर खाते का बात दोस्तों मैं इसलिए इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घर खाते का मुझे पता है, घर खाते में मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि घर खाते में आओ। कंपनी में क्या है, बहुत सारा स्किल है, कंपनी में आपको मौका मिलेगा काम सीखने का और काम सीख के आप साथ साथ पैसा भी कमाते हैं क्योंकि कंपनी में क्या ओवर टाइम भी चलता है, तो कभी 2 घंटे ओवर टाइम चलता है, कभी 3 घंटे ओवर टाइम चला, कभी कभी 4 घंटे भी ओवर टाइम चलता है। तो अगर 80 KD आपका सैलरी रहेगा फ्रेशर में हेल्पर में तो 80 KD सैलरी रहेगा, 20 KD खाने का रहेगा, तो ये मान के चलो अगर 2 घंटा ओवर टाइम करते हैं तो बहुत ही आराम से आप 150 KD कमा सकते हैं। यानी कंपनी में मेरे जितने भी लोग मतलब काम कर रहे हैं हेल्पर में, मैंने भी ऑलरेडी देखा हुआ उनका सैलरी, तो किसी का 150 KD है, किसी का 160 KD ऐसे ओवर टाइम लेके मतलब मिलता है। लेकिन दोस्तों ओवर टाइम का भरोसे मत रहिएगा क्योंकि कंपनी कैसा है, जब कंपनी के पास काम होता है तभी ओवर टाइम कराती है, जब कंपनी के पास काम नहीं रहता तो भाई ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो आप ओवर टाइम के भरोसे कभी मत आइए, लेकिन 80 KD से कम सैलरी नहीं होना चाहिए। 80 KD प्लस 20 KD या 25 KD आपका फूड का है, खाने का है, तो फिर बहुत अच्छा है जो फ्रेशर लोग हैं। और काम क्या करना होता है दोस्तों, ये भी मैं इस वीडियो में बता दूँ क्योंकि देखो हेल्पर लोग जो नए नए आते हैं ना, उनको क्या होता है कि जो कोई नए नए जैसे हेल्पर आते हैं तो उनको काम का नॉलेज नहीं रहता है, तो वो मतलब कभी फैब्रिकेटर के साथ में कर देंगे, कभी इलेक्ट्रीशियन के साथ कर देंगे असिस्टेंट्स के तौर पे। तो अगर पढ़ा लिखा बंदा है या उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कामों के बारे में, तो कोई ग्राइंडर चलाना सीख जाता है, तो कोई इलेक्ट्रीशियन के साथ में रहकर, इलेक्ट्रीशियन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो इलेक्ट्रीशियन के साथ में रहकर वो सीख जाता है। तो ये मान के चलो लेथ मशीन पे जो ऑपरेटर होते हैं लेथ मशीन के साथ में भी लगा सकते हैं, फैब्रिकेटर के साथ में भी लगा सकते हैं, वेल्डर के साथ में भी लगा सकते हैं, और कहीं कहीं कंपनी में ऐसा है कि झाड़ू मारने के लिए भी लगा सकते हैं। तो झाड़ू मारने के लिए ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको हाथ से झाड़ू मारना है, हाथ से झाड़ू नहीं मारना है, मशीन रहता है, मशीन से झाड़ू मारना होता है, वो भी मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से, नहीं तो मेरे वीडियो पे शॉर्ट वीडियो में होगा, आप जाके देख सकते हैं कि मतलब झाड़ू किस तरह से मारते हैं कंपनी में, वहाँ पे हाथ से झाड़ू नहीं मारते हैं। कितने भाई ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं जो हेल्पर में आते हैं तो अगर उनको झाड़ू मारने के लिए लगा दिया जाता है तो ये सोचते हैं अरे यार मैं क्या कुवैत में झाड़ू मारने के लिए आया हूँ। तो देखो भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर झाड़ू का भी काम मिलता है तो भी आप करो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ झाड़ू ही मारने के लिए देंगे, ये कंपनी भी मतलब इम्तिहान लेती है कि चलो ठीक है यार नया बंदा आया है फ्रेशर में आया है हेल्पर है तो थोड़ा ये भी काम देते हैं कि करता है कि नहीं करता है। तो अगर आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको झाड़ू ही दिन भर मराएंगे, झाड़ू मारने का ऐसा दिन भर नहीं कि आपको झाड़ू मराएंगे, लेकिन ये है कि आप धीरे धीरे जब करेंगे करते करते आपको मतलब जब समझ जाएगा कंपनी में नहीं ये लड़का ठीक ठाक है, अपने माफिक का है, काम कर रहा है, तो फिर आपको फैब्रिकेटर वेल्डर फिटर किसी के साथ में भी भिड़ा सकते हैं और उसमें क्या आप काम करके ओवर टाइम भी मिलता है। दोस्तों वेल्डर लोगों का भी ओवर टाइम मिलता है, फैब्रिकेटर का भी मिलता है, तो फैब्रिकेटर के साथ में जो लोग रहते हैं हेल्पर में उनको और ज़्यादा ओवर टाइम मिलता है क्योंकि हेल्पर लोगों फैब्रिकेटर के साथ में ही काम करना है, वही हथौड़ी उठा के देना है, टेप पकड़ना है, ऑलरेडी बहुत सारा काम इसी तरह का है, बाकी और दूसरा काम नहीं करना है। तो साथ में रह के आप काम भी सीखेंगे पैसे भी कमाएंगे। तो जितने भी भाई हमारे ये पूछ रहे थे कि भाई कि कुवैत में हेल्पर की सैलरी कितनी है, तो ये मान के चलो सैलरी तो कोई फिक्स नहीं है लेकिन 80 KD से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। जो भी भाई कुवैत आने वाले हैं या आना चाह रहे हैं या उनकी इच्छा है कि मैं कुवैत में जाऊँ, तो अगर वो कोई काम नहीं सीखे हैं बिल्कुल, ये मान के चलो कभी वो मतलब कि काम ही नहीं किए हैं, तो ऐसे भी लोगों का काम मिलता है। और काम कहाँ से मिलता है दोस्तों, असिग्नमेंट अबाउट टाइम का पेपर निकलता है, उसमें मैकेनिकल हेल्पर से मतलब कि ऐसे वांट निकलता है मैकेनिकल हेल्पर का, तो वहाँ पे आप देख के ऑलरेडी कर सकते हैं। बाकी कितने भी ऐसे हैं जो एजेंट से भी मतलब करते हैं, तो एजेंट से मान के चलो कि भाई आप एजेंट के जरिए करोगे तो एजेंट के जरिए कैसा होता है, धोखा हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑफिस के जरिए करते हैं तो ऑफिस में आपके साथ धोखा नहीं होगा। और ये भी बता दूँ कि चार्ज कितना लगता है, जैसे जो शुरू शुरू में फ्रेशर हेल्पर में जाना चाह रहे हैं तो ये मान के चलो अगर आप ऑफिस से आते हैं तो ऑफिस से आपको 50 से 60 हज़ार या 60 से 70 हज़ार रुपये ऑफिस चार्ज लगेगा, और उसी 70 हज़ार में आपका वीज़ा चार्ज भी रहेगा और वीज़ा स्टंपिंग का भी रहेगा, फ्लाइट का टिकट भी रहेगा, इतना सारा कुछ रहेगा। बाकी मेडिकल का आपका अगर जहां से भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका मेडिकल चार्ज उसी में है या मेडिकल चार्ज अलग से है। बाकी PCC आपको खुद कराना पड़ता है क्योंकि कुवैत में PCC एकदम कंपलसरी हो गया है, अभी तो सऊदी में भी PCC हो गया है और PCC का डेट भी काफ़ी लंबा लंबा मिल रहा है। तो जो भी भाई नए नए मतलब जाने के लिए सोच रहे हैं, आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट वो रेडी कर लें उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करें। तो कुवैत में फ्रेशर लोगों के लिए या मैकेनिकल हेल्पर के लिए या जो बिल्कुल भी कहीं काम नहीं किए हैं हेल्पर में 80 KD सैलरी स्टार्टिंग है, 80 KD से 90 KD, 95 KD, 100 KD ऐसे सैलरी मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूंगा ताकि आप लोगों को जो है मोटिवेशन मिले और आप सब जॉब के लिए अप्लाई आसानी से कर सकें। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बता दूँ
मैं एक नया चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, उस चैनल पे मैं अपना लाइफ स्टाइल डालता हूँ, ब्लॉगिंग मतलब डालता हूँ, गांव का अपने डालता हूँ। तो आप उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो चैनल देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर बाय द वे इस चैनल पर कुछ होता है तो हम लोग वहाँ पर कनेक्ट बन के रहेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।